ऑलराइट गाइस, तो मेरे पास जो है काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि भाई हमारा जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ पा रहा, हम जो है आपके वाला सेम ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो सोल्यूशन हो। तो वही जो है आज की वीडियो में कवर करने वाले कि इसके पीछे जो है क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो सबका एक जैसा क्यों नहीं आ पाता, या कई लोगों को जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी जल्दी मिल जाता है, कई लोगों को जो है रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिल पाता। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में भी मत जाना। तो जो हम पहला बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से रिजल्ट है लोगों को नहीं मिल पाता, वो है टाइम से पहले जो है मिनोक्सिडिल को वॉश कर देना। जी हाँ गाइस, मिनोक्सिडिल जो है उसका एक रेट होता है एब्जॉर्ब होने का स्किन के अंदर, और उसको जो है उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही वॉश करना चाहिए आपको। ये नहीं कि आपने मिनोक्सिडिल को अप्लाई किया उसके 5-7-8 मिनट बाद आपने उसको वॉश अवे कर दिया, आपको लगा कि शायद वो दिख नहीं रहा स्कैल्प के ऊपर तो वो एब्जॉर्ब हो गया है, बट ऐसा नहीं होता। जो मिनोक्सिडिल होता है वो स्किन के ऊपर धीरे धीरे करके जो है आपकी एंटर करता है आपके सेल्स के अंदर, उसी के प्रक्रिया की वजह से जो है वो वर्क कर पाता है। तो एक रिकमेंडेड जो टाइम है मिनोक्सिडिल का, उसको उससे पहले जो है कभी वॉश मत करिए अगर आप चाहते हैं आपको रिजल्ट मिले। और अब कई लोग बोलते हैं वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि हम 4-5 घंटे जो वेट कर पाएँ उसको वॉश करने के लिए, तो वहाँ पर यार आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखिए। अगर आप डॉक्टर से बात करिए कि आपको ओरल जो मिनोक्सिडिल होता है उसकी तरफ डालें, हालांकि उसका थोड़े साइड इफेक्ट्स वगैरह का रेशियो बढ़ जाता है, बट स्टिल अगर आप नहीं कर सकते अप्लाई तो आपको पास ऑप्शन जो है काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो है टाइम पे अगर आप वॉश करेंगे मिनोक्सिडिल वगैरह को, तो वहाँ पर रिजल्ट जो है अच्छा आने का चांस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा बड़ा रीज़न जिसकी वजह से जो है आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, वो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था, फेक जो है ब्रांड्स। देखिए आजकल जो है मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेक ब्रांड्स वगैरह आने लग गए हैं। इनफैक्ट जो कॉपी का रेट है वो सबसे ज़्यादा आपका मिनोक्सिडिल के अंदर आना शुरू हो गया, क्योंकि मिनोक्सिडिल की जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, और वहाँ पर जो कॉपी वगैरह बनने का एक मार्जिन हो जाता है वो भी बढ़ जाता है इस कारण। तो कुछ ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनके काफ़ी ईजिली आपको मार्केट में कॉपी मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था मॉरेफ वगैरह हुए और डॉक्टर रेड्डी वगैरह के कुछ ऐसे मिनोक्सिडिल हैं जिनके फेक्स वगैरह मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो थोड़ा जो है वहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो चेंज करिए ब्रांड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से बात करिए कि मेरे को ब्रांड चेंज करना है, दूसरे किसी ब्रांड का बताइए, तो आप वहाँ पर स्विच करके देख सकते हैं और कुछ टाइम उसको यूज़ करिए, फिर देखिए आपको क्या पता रिजल्ट वहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा जो एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलता वो है लोगों से कंपेयर करना रिजल्ट। अब मेरे को कई लोग बोलते हैं कि यार आपका रिजल्ट तो इतना अच्छा आया, या फिर हमें जो आपके जैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा, सेम वो यूज़ कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा रिजल्ट आ पाएगा नहीं आ पाएगा। यार देखो, आप जो है रिजल्ट कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ के अंदर, चाहे वो ट्रांसप्लांटेशन हो, चाहे वो फिनेस्टेड हो, चाहे वो मिनोक्सिडिल हो, क्योंकि बॉडी जो है वो सबकी डिफरेंट है, और वहाँ पर आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी ट्रीटमेंट के ऊपर वो अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब कई लोग जो है ये भी अनुमान लगाते हैं कि अगर जो हमारी हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही तो वहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ट्रीटमेंट है उसका पहला काम ये होता है कि आपका जो हेयर लॉस है उसको प्रोग्रेशन को रोकना, यानी जो है वो और ज़्यादा जो है वर्स ना हो। और अगर आपको जो है एक वहाँ पर मेंटेनेंस ही मिलना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो मेन काम रहता है सबसे पहले जो हेयर लॉस के अंदर होता है वो उसको स्टॉप करना। तो इसलिए कोई इतना इशू नहीं है, बाकी भी ट्रीटमेंट मार्केट के अंदर रहते हैं, तो आप कंपेयर मत करिए, रिजल्ट्स मूव ऑन करते रहिए। अब आते हैं अगले रीज़न के ऊपर। जो अगला रीज़न है वो है कि आपको जो है मिनोक्सिडिल का जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कई लोग जो है मिनोक्सिडिल जो है आपके अल्कोहल वाला बेस वाला यूज़ करते हैं, कई लोग नॉन अल्कोहलिक यूज़ करते हैं, कई लोग फोम वाला यूज़ करते हैं, कई लोग बाकी आजकल एक उस जेल फॉर्म में भी आ रहा है वो भी यूज़ करते हैं, बट आपको जो एलर्जी हो रही है किसी फॉर्म से और फिर भी आप उसको यूज़ करी जा रहे हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपको जो है एक फॉर्म से एलर्जी हो रही है, डॉक्टर से बात करिए, उसको बोलिए कि मेरा जो फॉर्म है वो चेंज करिए मिनोक्सिडिल का। अगर तब भी नहीं हो पाता तो फिर आपको और दूसरे उपायों के अंदर जाना पड़ेगा। बट अगर आपको किसी एक फॉर्म से एलर्जी हो रही है, जैसे काफ़ी कॉमन देखा जाता है कि ये अल्कोहलिक जो मिनोक्सिडिल है उससे कई लोगों को एलर्जी वगैरह रिएक्शन हो जाते हैं, यानी हल्के फुल्के होते हैं, कई बार स्किन पे रेडनेस हो गई या कुछ हो गया, बट वो फिर भी जो है उसको अप्लाई करते रहते हैं, या फिर अप्लाई करने का जो एक माध्यम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ज़्यादा अप्लाई करके ज़रूरत से ज़्यादा उसमें भी कई बार हो जाती है कि आपको वहाँ पर रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, हालांकि वो सब जो अगर आप स्टॉप करेंगे तो वहाँ पर वापस रिवर्स हो जाते हैं। अब अगले रीज़न पर आते हैं। जो अगला रीज़न है जिसकी वजह से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा वो है कि आप टाइम से पहले जो है ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, महीना या 2 महीना यूज़ करेंगे मिनोक्सिडिल या फिनेस्टाइड का ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद स्टॉप कर देते हैं, फिर कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। यार देखो, ये जो ट्रीटमेंट्स है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने पड़ते हैं अगर आपको रिजल्ट चाहिए एक सस्टेनेबल। अगर आप जो है पहले ही 2-3 हफ्ते में इतने मैसेज आते हैं भाई 2 हफ्ते हो गए अप्लाई करते हुए रिजल्ट नहीं आ रहा, यार 2 हफ्ते में कुछ रिजल्ट नहीं आता इन चीज़ों से, काफ़ी रेयरली अगर आपको मिल रहा है 2 हफ्ते का रिजल्ट तो काफ़ी रेयर सिनेरियो है, आपको काफ़ी खुश होना चाहिए कि आपको इतनी जल्दी रिजल्ट मिल गया, क्योंकि काफ़ी रेयरली होता है कि इतनी जल्दी जो आपको रिजल्ट मिल जाए। एटलीस्ट जो आपको वेट करना पड़ता है 4 से 5 महीने का मैं कहूँगा किसी भी ट्रीटमेंट का जो आपको रिजल्ट शो होने में। तो उससे पहले गिव अप मत करिए, बात करते रहिए डॉक्टर से, कुछ आपको लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार से मेडिसिन वगैरह काम करती है। मेरी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिजल्ट आने में टाइम क्यों लगता है इतना। और कोई क्वेरी होती है तो जरूर मेरे को ईमेल के माध्यम से मेरे से पूछे, मैंने करी हुई ईमेल अपनी शेयर, तो उस पर आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट आपको रिप्लाई करने का। हाँ, कई लोग बोल रहे रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई का यार मैं पूरा पूरा ट्राई करता हूँ, बट आजकल थोड़ा शेड्यूल ऐसा हो रहा है कि वीडियोज़ बनाने के लिए थोड़ी मैं प्रायरिटी ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन वगैरह आप पूछते हैं कमेंट्स के अंदर वो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखे होते हैं काफ़ी वीडियोज़ के अंदर, इस वजह से थोड़ा सा जो आप मेहनत कर लीजिए, पुरानी वीडियोज़ खोल के देखेंगे उसमें आपको डेफिनेटली उसके आंसर मिल जाएंगे। अब आते हैं जो एक रीज़न और बनता है आपका रिजल्ट ना आने का, वो ये होता है
कि आप जो हैं एक्चुअल में रिस्पॉन्डर नहीं है, यानी कि ये थोड़ा सा जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते और यूज़ करते रहते हैं ट्रीटमेंट, बट यार देखो सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, कई लोगों को जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती उनकी बॉडी ट्रीटमेंट्स के ऊपर, तो वहाँ पर जो आपको स्टॉप ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड करी ट्रीटमेंट के ऊपर तो आप वेस्ट करते रहेंगे टाइम और अपना पैसा भी, तो कुछ आपको उसको रिटर्न मिलने नहीं वाला लॉन्ग टर्म के अंदर। तो हो सकता है कि आप रिस्पॉन्डर ना हो इन ट्रीटमेंट्स वगैरह के, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऑल्टरनेट थेरेपीज़ वगैरह भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिनसे रिजल्ट्स वगैरह कई लोग बताते हैं कि हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। बट जो मैंने आपको रीज़न बताए उनके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो इनमें से कोई आप मिस्टेक करते जरूर शेयर करके जाना कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपना यार एक रूटीन जरूर बताओ कि आप लोग क्या यूज़ करते हो हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट डे।